मम्मा ने एकदम आके बम फोड़ा। काफी हद तक आपकी बहन ने तैयारी कर ली है। ये दिल का टुकड़ा मैं ससुराल में जाके निकालूंगी। फिर से क्या मेरी बर्थडे होने वाली है? फिर से मेरी पोस्ट बर्थडे होगी यार। फ्लावर बुके भी बनवाया था सरप्राइज के लिए। हाँ ज्यादा प्यारा केक लग रहा है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मेरी काशिका, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कल रात को ही मम्मा ने एकदम आके बम फोड़ा। मम्मा ने कहा कि यार ये सारी चीजें करनी है आपने कल। अरे कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा मम्मा टाइम देख रही हैं आप, इतना लेट आप मुझे ये चीजें बता रही, मैं किस तरह से करूंगी। तो खैर मम्मा ने बोल दिया, तो मम्मा का जो हुक्म है वो सर आंखों पर होता है एज यूजुअल। तो बस अब जल्दी से रेडी होते हैं। काफी हद तक आपकी बहन ने तैयारी कर ली है, कुछ रह गई है तो बस हो जाएगी इंशाल्लाह। बट सबसे पहले हम लोग हो जाते हैं तैयार ताकि मसला ना हो। मुझे मुबारकबाद दे दीजिए क्योंकि मैंने ऑर्गेनाइजर मंगवा लिया है, उसमें मैंने अपने सारे शीन के कपड़े रख दिए हैं। थैंक गॉड कि ये सेटल हो गई है, वरना मुझे लग नहीं रहा था कि कभी सेटल हो भी सकती है। खैर कपड़े मैंने कुछ ये निकाले हैं, समझ नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने सोचा कि यार यही पहन लेते हैं, तब पहन के देखते कि लग भी अच्छा रहा है कि नहीं। सो गाइज, आई एम फुली रेडी और यकीनन फॉरन देखने के साथ ही आप लोग के माइंड में आया हो फिर अभी करें तो हमें कोई और सा ड्रेस दिखाया था, पहना कोई और सा। तो यार सीन को जिस तरह का था कि वो जो ड्रेस था वो इतना ज्यादा प्यारा लगा था, मैं दिल ने किया अभी पहनने का, क्योंकि अगर अभी पहन लेते तो वेस्ट हो जाता ड्रेस, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार कुछ और पहन लेते। तो इसलिए मैंने ये ब्लैक शर्ट निकाली, साथ ही साथ स्कर्ट निकाला एंड आई एम फुली रेडी। पीछे मेरा टैडू रखा हुआ है, मेरे दिल का टुकड़ा। इसको मैंने अभी नहीं रखा है लाइट निकाल के, जस्ट बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा लाइट कलर है और मैं नहीं चाहती कि अभी मैं इसको निकालूं। अभी मैं इसको इसी तरह से सजा के रखूंगी, अपने ससुराल में जाके निकालूंगी। क्या सोच है रे तेरी? मैंने इसके लिए रैपिंग शीट मंगवाई है, वैसे जितनी भी रैपिंग शीट उसको मैंने रैप कर दिया है, थोड़ा सा ये फट चुका है तो अगेन रैपिंग शीट मंगवाई, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से रैप करके इसको रख दूंगी ताकि सही सलामत रखा रहे। और ये है भी बहुत ज्यादा क्यूट और बड़ा सा, तो इसलिए ज्यादा रैपिंग शीट लगती है गाइज। तो खैर अभी सीन क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी तैयारी शयारी, मतलब क्या सीन यार, मतलब क्या ही सीन होने जा रहा है। खैर चलते हैं इस रूम के अंदर। बलून्स एंड बलून्स एंड बलून्स, क्या सीन है, बलून्स क्यों लगे हुए हैं? क्या फिर से क्या मेरी बर्थडे होने वाली है? फिर से मेरी पोस्ट बर्थडे होगी यार। कितनी बर्थडेज होंगी मेरी, मुझे शर्म आ रही है। I'm just kidding guys. मस्त जोक मारा रे। बर्थडे सरप्राइज हमने बेसिकली प्लान किया है मम्मा की किसी रिश्तेदार के लिए। मम्मा की कोई रिश्तेदार है? रिश्तेदार तुम्हारी कौन है? बस वो मेरी भी रिश्तेदार है। तो खैर उनके लिए सरप्राइज बर्थडे प्लान किया, तो बस उसी का ये खूबसूरत सा प्यारा सा क्यूट सा सेटअप है। लास्ट मोमेंट पे यही हो सकता था तो इस वजह से नेवर माइंड, प्यारा लग रहा है तो आई होप अच्छा लगेगा उनको भी। गाइस मेरी अम्मा है ना, बिरयानी में सरसों का रंग डालना भूल चुकी है, तो आज मम्मा की बिरयानी होगी व्हाइट कलर की। मैंने तुम्हारे कहने पर व्हाइट बिरयानी बनाई है। मम्मा ने बिरयानी व्हाइट बिरयानी, मतलब वाओ मेरी कितनी वैल्यू है गाइस। मैंने कहा व्हाइट बिरयानी तो मम्मा ने फॉरन से बना दी। खैर अभी इन प्रोसेस हमारा खाना और बस यही चल रहा है। यहाँ पे आपकी बहन ने फ्लावर बुके भी बनवाया था सरप्राइज के लिए और साथ ही साथ मैंने केक भी बनवाया। लेट मी शो यू वॉट। ये आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा प्यारा केक लग रहा है, इस पे फॉइल बलून भी लगवा दिए थे तो एकदम सेट हो गया। तो अब जल्दी से लेके चलते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। माही कम, इट्स नॉट माय बर्थडे गाइस, बर्थडे इज गोइंग ऑन गाइज। अक्टूबर में ना बेसिकली समझो सबकी बर्थडेज आती है, मतलब ऐसा लगता है कि आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है। मेरी बर्थडे तो खत्म होती है उसके बाद मेरी मामू की, मेरी खाला की, फिर उसके बाद मम्मा की आने वाली है, जो कि मुझे प्लान भी करनी है, अब तक मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया है। और ठीक चार दिन बाद जब व्लॉग आ जाएगा तो समझो तीन दिन आ जाएंगे, ठीक तीन दिन बाद मम्मा का भी बर्थडे है और मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया। लेट्स सी गाइस क्या मैं प्लान करती हूँ, क्या होता है सारी चीजें। स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट विश मी बेस्ट ऑफ लक, बिकॉज जो चीज मैंने सोची हुई आई होप वो मैं कर सकूँ। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट गाइस। यहाँ पे खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया। हो बंद हो गई, बंद हो गई कॉफी। नहीं नहीं चुपकेगा नहीं, हमारी मेहनत।
गाइस यहाँ पे काम वगैरह से हम लोग फ्री हो गए थे, तो यहाँ पे इनको मैंने 3D pen मंगवा के दिया था, जिसपे मैंने इनको बना के दिखाया, 3D pen इस्तेमाल किया, वो ही पेज गायब हो गया, तो अभी गरम गरम तो चिपक गया होगा आपस में। नहीं नहीं आप चेक करो, महेश साहब को 3D pen चलाना नहीं आया, दिखाओ, देखा मुझे पता था वो गीला था, छोड़ो अब, लो भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अब छोड़ दो, नया बनाएंगे, लाओ दिखाओ। गाइस मैं आप लोग को भी इस्तेमाल करके दिखाती हूं, वैसे तो ये बड़ों की एक्टिविटी महीश आपको मंगवा दिए इनकी जिद की वजह से, इनको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा, मैंने दिल बनाया और ये देखो चिपका दिया, नहीं नहीं छोड़ दो छोड़ दो, नया बनाऊंगी, वाह बड़ा निकाल दिया इसको। कभी कभार बच्चों के साथ भी बच्चा बनना पड़ता है, जैसे हमारे महीश हसन खान, लाओ दो ये आराम से इसकी नोक छोड़ दो, अभी पहले पेंसिल का है, पेंसिल का है, पेंसिल गायब हो गई, ये रही ये रही, आराम से उठाओ, क्या बनाओ, दिल बना दूं, दिल नहीं बनाओ वही के साथ, सही दिल, ओके सो ये मैंने पेंसिल से दिल ड्रॉ किया है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूंगी, अब आप लोग देखो, नो 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 या 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 ठीक है, इन्हीं बच्चों का दिमाग उलट पुलट हो जाता है ऐसी चीजों से, फिर बच्चे जो है इन जैसे जिद करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, देखो दिल कितना मजे का बन गया, अब ये सूखेगा, इसको ड्राई करने के लिए हम लोग रख देंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी निकाल के कितना प्यारा बना है। मही वैसे इसका क्या नाम है, मुझे तो पता भी नहीं है, 3D painting pen, और ये जो होते हैं इसके, ये नहीं नहीं वो जो इसके वो आते हैं कलर्स, फ्रामेट, अभी मही को मैंने नए फ्रामेट मंगवा के दिए, उन्होंने खत्म कर दिए थे पहले वाले, तो अब इनके न्यू आए हैं, तो जब भी इतना ओवर एक्साइटेड है, नहीं होते तो फिर क्या दिखा देते आप इनको, दिखा सकते थे, वैसे ही बच्चों के नुकसान थे, कोई भी बड़ा साथ बैठ के करे तो फिर ठीक है, बट आप लोग भी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्लीज बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि वाकई गर्म होता है, क्योंकि इसकी जो नोजल है वो गर्म होती है और यहाँ से हीट ट्रांसफर होती है। ओके तो फिर आपको भी ख्याल रखना है ना, डन, ये 7 साल के बच्चे चला सकते हैं, उस बॉक्स के पीछे लिखा हुआ 3 साल के बच्चे नहीं चला सकते, बस ये अपनी उम्र बता रहे ताकि मुझे कोई कुछ ना बोले, और अपने जो कम उम्र के बच्चे उनको मना कर रहे हैं, वाह 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 कमाल, चेक करो इनका, हो गया, बस तकरीबन सूखने वाला, भी गर्म है महीर। सो गाइस मैं यहाँ पर आ गई थी, इन लोग की आफ्टर पार्टी चल रही थी, मैंने बोला चलो यार जरा देखो ये लोग कर क्या रहे हैं, खैर डेकोरेशन वगैरह कम्प्लीट थी, सेलिब्रेशन वगैरह हो गई है, अभी रयान उजैम बैठे हुए हैं, वेयर इज जरी, बाहर गए, स्पीकर पे ना मैं स्नैप बना रही थी, स्पीकर फौरन से बंद हो गया, मतलब मैंने इंसल्ट कर दिया स्पीकर ने, ये उजैम साहब के हाथ में है गिटार जो कि इनको बजाना नहीं आता, बट ये अभी सीख रहे हैं, किसकी तरह से गिफ्ट मिला था आपको, थैंक यू सर भाई, किसकी तरह से गिफ्ट मिला, कह रहा है थैंक यू सर भाई, फाइनली फाइनली सारे गेस्ट जो हैं वो जा चुके हैं, और फाइनली मैं अपने पोर्शन में आई हूँ, अपने रूम में आ चुकी हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा थकन हो गई है, तो अब बस सीन ये है कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि रबीका काशिफ खान आपके बाल इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यार कह भी दिया करो प्लीज़, खैर अभी जो है सोचा क्यों ना अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों से शेयर कर दूँ, इस छोटी सी वीडियो में एक छोटा सा पार्ट और ऐड कर दूँ, तो अभी मैं आप लोग को बताती हूँ कि अपने बालों में आखिर क्या लगाती हूँ, आखिर इन बालों का खूबसूरत बालों का क्या राज है, लेट्स गो। सो गाइस मैंने एकदम मम्मा को पकड़ लिया, मेरे मम्मा को कहा कि मम्मा मुझे अपने फैंस को हेयर केयर रूटीन दिखाएं, तो प्लीज 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 आप यहाँ मेरे साथ वीडियो में आ जाएं, मम्मा बहुत ज्यादा टायर्ड थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि चलो यार मेरी बेटी ने बोला था क्यों ना मैं वीडियो में आ जाऊँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तेल लगाने के लिए, फैंस के लिए कुछ भी, लोग फैंस जो हैं बहुत सारा प्यार बरसाएंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता ही है, एग्जैक्टली exactly. तो अभी जो है मम्मा मेरी हेयर केयर रूटीन शेयर करेंगे, वैसे तो सारा क्रेडिट जाता है मम्मा को, मेरे इन बालों के पीछे मम्मा का ही हाथ है, मम्मा बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं, बट ये सारी बातें हम करेंगे, पहले हम मोबाइल सेट कर लेते हैं क्योंकि इस तरह से आई कांट रिकॉर्ड, तो एकदम कैमरा मैंने सेट कर लिया, कैमरा सेट करते हुए मैंने पार्ट ले लिया, ओके सो मम्मा अभी जो है वो
बताने लगी हैं। बेसिकली मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं एक ऑयल यूज करती हूँ जो कि मेरे बालों के लिए बहुत अच्छा था, मैं ज्यादा वो ना देखे क्योंकि अभी सीन कुछ यूँ है कि मैंने आप लोगों को पहले मेरे ख्याल से एक साल हो गया, एक साल पहले मैंने आप लोगों से अपने ऑयल वाली रूटीन शेयर की थी जिसमें मैंने लगाया था हमारा कौन सा था इंडियन तेल, वो था डाबर आमला, नहीं नहीं लाल वाला था, वो ठंडक वाला कोई तेल था, उसका नाम मुझे कुछ याद नहीं, नवरतन आई डोंट नो गाइस, नवरतन नहीं नहीं नवरतन नहीं था, नवरतन तो वही था जो मेरी ज्वेलरी आती है, नवरतन इसी तरह का कुछ नाम था, खैर मैं नाम भूल गई हूँ, अगर आप लोग को याद है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लेकिन कुछ इस तरह का वाला तेल ठंडा वाला, हाँ जो कि बहुत अच्छा होता है बालों के लिए और मैंने शुरू से हमेशा से वही यूज किया है। अच्छा जैसे हमेशा आप सलोन भी जाओगे तो आपको रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं बालों के लिए कि शैम्पू चेंज करते रहना चाहिए, तो मैं अपना शैम्पू महीने में एक दफा जरूर चेंज करती हूँ, चाहे मैं कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल करूँ मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, ऐसे ही मेरा ऑयल वाला रूटीन है, जो मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ उसको मैंने छोड़ दिया है, अभी मैंने दूसरा ऑयल लगाना शुरू कर दिया है, आप लोग बस बॉटल देख लो, ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, बट बड़े बड़े बाल लड़की के बने हुए दिखाएगा हमें, बड़े बड़े बाल जो लड़की के बने ओके तो अब जाके देख लेना आप लोग तेल आप कोई सा भी लगाओ, दरअसल सर को ना एक जैसे हम खाते हैं हमारे पेट को गुजर की जरूरत होती है, तो सर को भी होती है, सर को भी खाने की जरूरत होती है, बिल्कुल, तो आप हफ्ते में दो दफा तेल लाजमी लगाएं, चाहे एक घंटे के लिए लगाएं, हाँ। और सर धोने इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मगर लाजमी इन चीजों को अगर आप करेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, हाँ। यानी उससे भी आपके बाल हल्के रहेंगे और अगर आप ग्रोथ भी पकड़ेंगे, हाँ तो फिर लाजमी होता है आपके बाल बहुत अच्छे हेल्दी हो जाएंगे, मतलब आपको बालों में ऑयलिंग जरूर करनी है अगर आपको अपने बालों को अच्छा करना है, लाइक मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, जब शूट्स वगैरह नहीं करती तब मेरे बाल बहुत बहुत अच्छे होते थे, जब मैंने शूट स्टार्ट किया नया नया सारी चीजें हुई मतलब मीडिया फील्ड में आई तो मेरे बाल इतने हल्के हो गए थे, लिटरली मम्मा रोती थी, मम्मा कहती मेरी बेटी के बालों को क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत की थी अब बिल्कुल ही बदल गए, बट फिर से मम्मा ने अपनी वही रूटीन शुरू कर दी जो मम्मा बच्चों ने मेरे साथ करती थी, बैठी लेके मम्मा ने एकदम चम्पी करना स्टार्ट कर दी, मम्मा ने कहा बेटा ये जरूरी है, अब चाहे तुम कुछ भी कहो बेशक एक घंटे के लिए ऑयल लगाओ लेकिन लगाओ, तो फिर मैं यही करती जब वो वगैरह चलता था तब भी मैं यही करती एक घंटे के लिए लगा लिया ऑयल शावर लिया और चली गई, क्योंकि स्ट्रेटनर कर्लर इतना ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल था वो बालों को डैमेज कर देता है, फिर हम कलर भी करवा लेते हैं तो वो और ज्यादा सोने पे सुहागा हो जाता है, तो इसलिए आपको अपने बालों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात एक ये होती है कि ऑयल को आप जोर जोर से ना घिसें, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से लगता है ऑयल, ताकि आपकी जड़ों में ऑयल लगना बहुत जरूरी होता है, पहले आप ऊपर से हल्के हल्के हाथ से उसको मिक्स करें, फिर उसके बाद जो है फिर नीचे की जगह पे, मतलब लेंथ पे लगाना इम्पोर्टेंट है और रूट्स पे लगाना इम्पोर्टेंट है, और हल्का हल्का हाथ से, ये नहीं कि बहुत जोर जोर धर 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 ऐसे जोर जोर से करने वालों के लिए ये कि उसके बाल भी झड़ते हैं, कोई फायदा भी नहीं है, फिर आपके वो बात नहीं आएगी जो मैं आपको हल्के हल्के मतलब चम्पी करने का भी आपके लिए प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर जब आप ऑयल हल्के हल्के हाथों से लग जाए तो उसके बाद आप मालिश कर डन होंगे, मतलब चम्पी कर दे, हाँ। अच्छा होता ये कुछ लड़के होते जिनको ऑयल बिल्कुल नहीं पसंद है, ऐसा मेरे भी रिलेटिव्स कुछ इस तरह के जो कहते हैं कि नहीं ऑयल तो यार तो गंदा होता है कौन लगाएगा, हाई हाई स्टिकी एंड ऑल, तो मैं उनको भी यही समझाती हूँ बेशक एक घंटे के लिए आप लगा लो लेकिन रूट्स में और लेंथ में जरूर लगाओ, इससे आपके बाल ही हेल्दी होंगे, तो भाई सारी चीजों के साथ साथ बालों का ख्याल रखना भी बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं रखती नहीं मम्मा रखती है, तो एक ही बात हो गई मैं रखमा रखी, अब एकदम मजेदार चम्पी हो रही है, और अगर आपकी बच्चियां नहीं माने तो माओं को चाहिए जबरदस्ती लेके बैठे और हल्के हल्के हाथों से बच्चों के लाजमी लगाएं, बच्चियों को दरअसल ना नहीं पता होता किसी चीज का, और जब बड़े बताते हैं तो फिर उन्हें जब भी पता चलता है, और मम्मा मैं वीडियो मैंने आपको लिया भी इसलिए ताकि आप भी कुछ मैसेज कन्वे करें, तो जो हमारे व्लॉग्स देखते हैं अपने घर में लाइक फैमिली पूरी देखती है, बच्चे देखते हैं, लड़कियां देखती हैं, तो वो इंस्पायर हों और वो भी ऑयलिंग करना स्टार्ट हो जाए, अगर मेरी तरह घने बाल चाहिए, वैसे भी घने चाहिए यार मेरी तरह तो छोड़ दो, वैसे भी घने बाल चाहिए, तो आप लोग प्लीज ऑयलिंग किया करो हफ्ते में एक दफा, बेशक दो दफा ना भी करो एक दफा तो जरूर करो, ये आप लोग समझो इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ, अब आप लोग जल्दी से जाके दो दफा हफ्ते में तेल लगाना शुरू करें या एक दफा, और फिर रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, और फिर जरूर बताइएगा रबिका को कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या फर्क नजर आया अपने बालों में, एग्जैक्टली एक महीना करके देखो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं ये वाला कॉम्ब इस्तेमाल करती हूँ हमेशा से,
प्रॉपर तरीके से बालों को सुलझाना है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम अपने बालों में बन बांध लें। यू हैव टू टाई योर हेयर जस्ट लाइक दिस। एकदम चंपी हो गई है, परफेक्ट वाली। अब तो मैं बहुत ज्यादा सुकून से सोने वाली हूँ। अब जल्दी से जाके आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मे बी होगी 24 आवर्स वाला चैलेंज। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।